तो क्या लगता है कितने फिनिश होगा संतोषी जी? एक से डेढ़ मिनट में हो जाएगा रंजीत फिनिश? हाँ हो जाएगा पक्का। हाँ पक्का, मैं दो बार से देख के जा रहा हूँ, कोई नहीं जीत पा रहा, आज मैं ही जीत के जाऊंगा। भाई साहब दो बार से देखते पा रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं ये। और आज देखते टीवी लेके जा पाते कि नहीं पूरा ये। तो क्या लगता है निर्मला जी हो जाएगा फिनिश? हो जाएगा सर, अगर इससे कम टाइम में खाओगे तो ही मिलेगा आपको पूरा बीपीएल कंपनी का 25 इंच का टीवी पूरा। तो क्या लगता है टीवी लेके जा पाओगे कि नहीं? लेके जाऊंगी। ये देखो भाई इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस लेके आ चुके हैं चैलेंज में, ये बीपीएल कंपनी की पूरी 32 इंच की टीवी। ये बात तो सही कही भाई, आराम से राकेश जी, काफी महंगा ही है। चलो रिमोट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीआर फूड चैलेंज में। पीसीआर फूड चैलेंज आज लाए मुर्गा चावल ईटिंग चैलेंज। इस महा चैलेंज को ढेर करने के लिए, समाप्त करने के लिए आज हमारे पास उतरे हैं तीन खतरनाक योद्धा चैलेंज में। तीनों के तीनों काफी बड़े और काफी खतरनाक चैलेंजर है। तो देखते हैं तीनों चैलेंजर में से कौन चैलेंजर आज जो है ढाई मिनट के अंदर अपनी थाली फिनिश करते हैं, बीपीएल कंपनी की लेके जाते हैं। तो क्या लगता है कौन जीतेगा? तो सबसे पहले कौन उतरेगा? संतोषी जी। चलिए संतोषी जी अपनी पोजीशन ले चुके हैं, टाइमर स्टार्ट कर दें। चलो 3-2-1 स्टार्ट। और ये हो चुका है संतोषी जी का टाइम स्टार्ट। और इनके पास टाइम आज 2 मिनट 30 सेकंड है। अगर ये उसके अंदर पूरा फिनिश कर लेंगी तो इनको मिलेगा बीपीएल कंपनी का 25 इंच का टीवी पूरा। और आज देखते हैं संतोषी टीवी लेके जा पाती है कि नहीं, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा लंबा है। और भाई दे दिया मुर्गा चावल इनको पूरा भाई। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा मुर्गा साफ करके, मतलब चिकन को साफ करके खाना। और जो है चेक करा जाएगा उसके अंदर हड्डी है, हड्डी फेंका है आपने या पूरा का पूरा वो फेंक दिया है। इसीलिए पूरा टाइम अच्छा दिया है आपको, तो आराम से खाइए क्योंकि ढाई मिनट का टाइम काफी होता है। बिल्कुल भाई साहब, अभी भाई साहब कि पहली बार आई है ये संतोषी जी मुर्गा में, और लगता है कि हड्डी निकालने में टाइम लगा रही है पूरा ये। बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल भाई बिल्कुल, धुआं धुआं कर दिया इधर। 35 सेकंड का टाइम हो रहा है, पता नहीं चल रहा कितना खत्म कर चुके हैं, कितना बाकी है। वो पूरा पीस इनका हो चुका है गायब भाई, यानी कि लगता है कि आज टीवी लेके जाएंगे तीनों में से कोई एक चैलेंजर। बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल। आज जो है टाइमर ढाई मिनट का इसीलिए दिया गया क्योंकि चिकन का चैलेंज है और चिकन में जो है काफी ज्यादा चबाना पड़ता है, टाइम लगता है। बिल्कुल, और यहाँ तो लगता है कि राकेश जी क्या ही चबाएंगे ये लोग भाई, क्योंकि टीवी का सवाल है भाई। और यहाँ पे पूरा संतोषी पूरा जो है मुर्गा गायब कर चुकी है, और सिर्फ रह चुका चावल और ग्रेवी पूरा इनका भाई। बिल्कुल भाई, एक मिनट क्रॉस हो चुका है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी रफ्तार पकड़े हुए भाई। कहीं ये दो मिनट ढाई मिनट से पहले ना फिनिश करते, अगर सभी चैलेंजर ढाई मिनट से पहले फिनिश करते हैं तो जिसका टाइम सबसे कम होगा उसी को यह टीवी दिया जाएगा। आज हमने यह ठान किया है कि टीवी किसी को देना ही देना है, क्योंकि दो बार से कोई नहीं जीत पा रहा है। तो अगले चैलेंज में हम टीवी ना लाएं, इसीलिए टाइमर ज्यादा दिया हमने। और यहाँ पे भाई टाइम इनका हो चुका है 1 मिनट 26 सेकंड, और पूरी थाली इनके होने वाले फिनिश भाई। इसका मतलब लगता है कि इनको टाइम देना चाहिए पूरा 2 मिनट का। बहुत सही भाई, बिल्कुल बिल्कुल भाई सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ढाई मिनट अच्छा है टाइमर था, क्योंकि जो है हमारे को टीवी निकालना था आज, कैसे भी करके टीवी देना है। ये लो भाई, अच्छे से फिनिश करिए, अच्छे से पूरा एकदम। और टाइम इनका हो चुका है 1 मिनट 46 सेकंड। और आज काफी दिन बाद आए रंजीत जी भाई साहब, तो देखते हैं तबाही मचा पाते कि नहीं। और यहाँ पे लगता है कि मुंह खोल के दिखाने वाले संतोषी जी अब जल्दी। बहुत बढ़िया भाई, 1 मिनट 54 सेकंड टारगेट दिए संतोषी जी पूरा। राकेश जी टीवी तो पूरा लेके जा चुकी है भाई ये। बिल्कुल, एक तरह से पूरा टीवी जीत चुकी है, मगर अभी दो खतरनाक योद्धा बचे हुए हैं, वह दोनों डिसाइड करेंगे इनको टीवी दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो अगले चैलेंजर कौन आना चाहेंगे? चलिए आइए रंजीत। तो हो जाएगा रंजीत फिनिश? हाँ हो जाएगा पक्का। हाँ पक्का, मैं दो बार से देख के जा रहा हूँ, कोई नहीं जीत पा रहा, आज मैं ही जीत के जाऊंगा। भाई साहब दो बार से देखते पा रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं ये। और आज देखते हैं टीवी लेके जा पाते कि नहीं पूरा ये। तो रेडी हो फिर? आपको जो टाइमर पहले था ढाई मिनट का, अब जो है 1 मिनट 54 सेकंड का। अगर इससे कम से कम कोशिश करिए खाने की, क्योंकि आपके बगल में बहुत खतरनाक चैलेंजर, पानी वाले चैलेंजर है, निर्मला जी है पूरा। बिल्कुल निर्मला जी है, तो स्टार्ट कर दें। चलो 3-2-1 स्टार्ट। और ये हो चुका है रंजीत जी का टाइमर स्टार्ट। और रंजीत जी काफी दिन बाद आए हैं, तो देखते हैं पूरी पूरी तबाही लेके आएगी नहीं आई है, क्योंकि यहाँ पे पूरा 32 इंच का टीवी का सवाल है भाई। अगर स्पीड लगाएंगे तो 32 इंच का टीवी पूरा लेके जाएंगे ये। बिल्कुल बिल्कुल, आराम से खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चिकन का चैलेंज है, चिकन को चबाना पड़ता है भाई, हड्डी भी खत्म कर दे रहे भाई, उसी के अंदर मसल दे रहे, पता नहीं क्या करोगे राकेश जी। इनको हम कितना भी कहते हैं आराम से खाओ, पर यहाँ पे पूरी इनकी अपनी स्पीड से खाते हैं ये, क्योंकि भाई साहब काफी बड़ा इनाम है ये। और लगता है कि यहाँ पे टारगेट दिया संतोष जी ने 1 मिनट 57 सेकंड का, लगता है कि उससे पहले फिनिश होने वाला इनका पूरा। बिल्कुल 30 सेकंड के अंदर धुआं धुआं कर दिया भाई चैलेंज। ये होता है चैलेंजर, और ये होता है चैलेंज। बिल्कुल भाई, बहुत दिनों से धाक में बैठे हुए थे, चैलेंज का इंतजार कर रहे थे। देखो भाई साहब 40 सेकंड टाइम हुआ इनका अभी। सो गाइस कमेंट करके बताना आज टीवी किसके हाथ जाने वाला है, क्योंकि काफी दिन बाद आए हैं और टाइम इनका हो चुका है 48 सेकंड। और पूरी थाली इनकी हो चुकी है फिनिश भाई। बिल्कुल बिल्कुल, चिकन को अच्छे से चबा के खाइए। बिल्कुल चबा तो कोई भी नहीं रहा यार, क्या सा चैलेंज हो चुका है, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। धुआं धुआं कर दे रहे हैं 1 मिनट के अंदर इनके लिए। राकेश जी कुछ भी ले आओ, या गोलगप्पा लाओ, या मुर्गा लाओ, मछली लाओ, भाई साहब अपने ही स्पीड में खाते हैं ये लोग, क्योंकि इनाम काफी बड़ा होता है यहाँ पे। और टाइम इनका हो चुका है 1 मिनट 8 सेकंड। और अब देखते हैं कितने सेकंड पूरा मुंह खोल के दिखाने वाले हैं और इनाम लेके जाते हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल, आराम से भाई
भाई दो बार से जो वीडियो देख रहे हैं और उसने कोई जीत जल्दी जल्दी मुंह ओपन करिए। ये लो भाई साहब काफी खतरनाक टारगेट, 1 मिनट 20 सेकंड पूरा। तो भाई यहाँ पे तो राकेश जी ने इन्होंने टारगेट दिया था संतोषी जी ने सेकंड का, इनके यहाँ से पूरा टीवी जा चुका है और अब आ चुका है रंजीत जी के पास पूरा टीवी। तो क्या लगता है निर्मला जी हो जाएगा फिनिश? हो जाएगा सर। और यहाँ पे आपको टारगेट मिला है 1 मिनट 20 सेकंड का, अगर इससे कम टाइम में खाओगे तो ही मिलेगा आपको पूरा बीपीएल कंपनी का 25 इंच का टीवी पूरा। तो क्या लगता है टीवी लेके जा पाओगे कि नहीं? लेके जाऊंगी। पक्का? देख लो बिल्कुल। तो क्या लगता है रंजीत जी ले जा पाएंगी? मुझे तो नहीं लग रहा कि मेरा को टारगेट कोई दे पाएंगे। ये लो भाई साहब इतना ज्यादा इनके भी अपने में कॉन्फिडेंस है पूरा। ये बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं अभी क्या करके जाती है निर्मला जी। स्टार्ट कर दें। चलो 3 2 1 स्टार्ट। और ये अब हो चुका है निर्मला जी का टाइम स्टार्ट और अब देखते हैं निर्मला जी को टाइम मिला है 1 मिनट 20 सेकंड का, अगर ये उससे कम टाइम में खाएंगी तो ही ले आएंगे पूरा 32 इंच का बीपीएल कंपनी का टीवी पूरा। सो गाइस क्या लगता है ये टीवी लेके जा पाएंगे कि नहीं भाई, क्योंकि काफी खतरनाक चैलेंजर है ये। बिल्कुल भाई, जब से ऑडियंस आपने कहा कि पानी के लिए इनको क्लेम किया है, से पानी भूल चुकी है एक तरह से, पानी पीती भी नहीं है और पानी डालती भी नहीं है ऑडियंस, आपने क्या इनको कह दिया है। बिल्कुल राकेश जी, अभी इनके टाइम पे फोकस करते हैं भाई, क्योंकि टाइमिंग पे बहुत कम टाइम है ये। और यहाँ पे बात की जाए तो लेग पीस पूरा खाना चाहिए सफाई से। बिल्कुल बिल्कुल, लेग पीस पूरा साफ नहीं हुआ है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अपनी थाली फिनिश करिए पहले, फिर उसके बाद डिसाइड किया जाएगा आपको लेग खाना है या नहीं खाना है। 1 मिनट 20 सेकंड से अगर पहले खा लिया तो लेग आपको फिनिश करना पड़ेगा। बिल्कुल, और यहाँ पे टाइम हो चुका है निर्मला जी का 48 सेकंड और 48 सेकंड बात किया तो पूरा चावल इनका होने वाला है फिनिश। सिर्फ रह चुका थोड़ा बहुत लेग पीस भाई, और उसको भी खाना पड़ेगा पूरा सफाई से बाद में। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा रफ्तार पकड़ चुके हैं। 1 मिनट 57 सेकंड, 1 मिनट 49 से 1 मिनट क्रॉस हो चुका है। बहुत बढ़िया भाई, 20 सेकंड और बचा हुआ है। आराम से निर्मला जी, आराम से। बिल्कुल बिल्कुल, धुआं धुआं कर दिया 1 मिनट 9 सेकंड के अंदर। 1 मिनट 10 सेकंड हो चुका है और पूरा का पूरा टीवी पे अपना हाथ मारने वाली है भाई। कुछ सेकंड में फैसला हो जाएगा कि टीवी आएगा। जल्दी निर्मला जी, ये देखो भाई साहब स्पीड, 20 टाइम इनका हो चुका है पूरा क्रॉस। और यहाँ पे निर्मला जी मुंह खोलने में थोड़ा सा कर चुके हैं लेट, तो राकेश जी आज के भी हो चुके हैं पूरा रंजीत जी भाई। और जो है पूरी सफाई से भी पूरा ध्यान नहीं दिया इन्होंने। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कुछ सेकंडों से आप हार चुकी हैं। सो ऑडियंस आप बताना आपको यह चैलेंज कैसा लगा, तीनों चैलेंजर में से कौन से चैलेंजर अच्छे लगे, तो हाथ धो के आइए, उसके बाद जो है इनाम का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, चल तो राकेश जी यहाँ पे निर्मला जी हाथ धो के आ चुकी है, आप जो राकेश जी रंजीत जी को इनाम दिया जाए भाई। बिल्कुल भाई, दो बार से जो कोई चैलेंजर नहीं जीत पा रहा था इस टीवी को, और आज जो है पूरी फॉर्म लेके आए। बिल्कुल राकेश जी, पूरी महाथाली 1 मिनट 20 सेकंड टाइम लगा रंजीत जी, यानी कि लगता है पूरा सोच के आए थे कि जीत के जाऊंगा मैं ये। बिल्कुल जीत चुके हैं और यह जो टीवी आखिरकार जो है अभी जाता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ जो अनबॉक्स करते हैं और ये जो है अभी फाड़ते हैं, इसको निकालते हैं। बिल्कुल, और तो बताओगे रंजीत जी कैसा लग रहा है आपको इतनी बड़ी टीवी जीत के? दो बार से देख रहा था कोई नहीं जीत पा रहा था, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया कि मेरे को ले चलो, मैं जीत के इसको बिल्कुल लगाऊंगा। और यहाँ पे तो भाई पूरी तबाही लेके आ चुके हैं भाई, 1 मिनट 20 सेकंड भाई साहब। आप 1.5 मिनट भी रखते तब पर भी मैं जीत लेता। 1.5 मिनट, ये देखो भाई इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस लेके आ चुके हैं चैलेंज में ये, और काफी दिन बाद आए थे और ये आ चुकी इनकी पूरी टीवी है भाई रंजीत जी की, बीपीएल कंपनी की पूरी 32 इंच की टीवी। चिकन में तो मुझे कोई हरा ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल ये बात तो सही कही भाई, आराम से राकेश जी, काफी महंगा ही है। चलो रिमोट था, और अब देखते हैं ये आ चुका है पूरा टीवी इनका भाई साहब, काफी बड़ा सा टीवी एकदम। पैकिंग बहुत हार्ड होती है यार, पैकिंग में मानना पड़ेगा, कंपनी की चीजें जो होती है वो पैक की वजह से बहुत जानी मानी जाती हैं। बिल्कुल पैकिंग हार्ड होती है, इनको ट्रक के ऊपर से भी फेंक दिया जाता है तो कुछ नहीं होता। भाई ये अनबॉक्स करने में टाइम लग रहा है तो सॉरी, मगर जो है ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर सकते। आज जो है फाइनली जो रंजीत जी पूरा इनाम जीत चुके हैं, ये देखो 2 ईयर की राकेश जी की पूरी है गारंटी है वारंटी के साथ। तो बताओगे रंजीत जी कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है भाई साहब, आज जो है फाइनली जीत चुका है, कोई नहीं जीत पा रहा था इसलिए मैं आया कि आज इसको जीत के ही ले जाऊं। बिल्कुल बहुत सही भाई, और ये ला आपका रिमोट। बहुत अच्छा ऑडियंस, आपको यह चैलेंज कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, आपको यह गिफ्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि दो बार से कोई जीत नहीं पा रहा था तो यहाँ जीत चुके हैं तो हमें भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो है अगले चैलेंज और अगर इस बार भी कोई नहीं जीतता तो बहुत बुरा होता कि चैलेंज नहीं कोई क्रॉस कर पा रहा है। फिर भी राकेश जी यहाँ पे तो 1 मिनट 20 सेकंड में खाए भाई। बिल्कुल, अगर आज 1.5 मिनट का टाइम रखते तो आज भी खा जाते ही। बिल्कुल, तो इधर बात करते हैं निर्मला जी, आपको कहाँ दिक्कत आई? और ये लीजिए आप अपना रिमोट, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने टारगेट दिया था रंजीत जी ने 1 मिनट 20 सेकंड का, और आपने भी लगभग खाया 1 मिनट 22 या 23 सेकंड में पूरा।
मैं अपने तरफ से तो पूरा कोशिश करी थी, मगर लेडीज और जेंट्स में तो फर्क बहुत है। जब बिल्कुल ये बात तो सही थी, बार आके जीत के जाऊंगी। बिल्कुल भाई बिल्कुल, और इधर 5-6 बार की विजेता, एकदम से धुआं धुआं करने वाली चैलेंजर आज कैसे रह गई? क्या कारण हुआ ऐसा जो आप लड़खड़ा गई? ठीक है, फर्स्ट टाइम था चिकन में, इसलिए वैसा हो गया, लेकिन अगली बार जीत के जाऊंगी। अच्छा, चिकन में पहली बार उतरे हो आप हमारी चैलेंज में? और चबाने में थोड़ी दिक्कत कर रहा। बिल्कुल, क्योंकि राकेश जी ये भाई साहब हड्डी निकालने में टाइम पूरा वेस्ट कर चुकी थी यहाँ पे, और यहाँ पे रंजीत जी आए पूरी की पूरी आंधी लेके, ओ पूरा टीवी जीत के जा रहे हैं भाई साहब ये। अब बिल्कुल भाई, ऑडियंस आपको तीनों चैलेंजर में से कौन से चैलेंजर ज्यादा अच्छे लगे कमेंट में जरूर बताना, और तीनों में से जो अच्छे लगे उनके लिए वोट जरूर करना, जिससे उनकी तारीफ इतना करना तारीफ जिससे कि इनके अंदर हौसला बने और भी खतरनाक चैलेंजर बन जाए भाई। और ये खतरनाक चैलेंजर है ही, ये बहुत कम आते हैं चैलेंज में, मगर जब आते हैं जीत के ही जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऑडियंस अपना है चैलेंज पे समाप्त करते हैं। मुझे कुछ कहना है। बिल्कुल, कमेंट आया कि निर्मला जी मेरी मम्मी, तो हम दोनों ऐसा नहीं, मैं बिहार से हूँ, यूपी से है, तो आपको गलतफहमी, प्लीज ऐसा मत बोलिए कि अच्छा नहीं लगता, ये कहाँ मैं कहाँ। बिल्कुल ऑडियंस, हाँ ये बात इन्होंने सही कहा कि आप जिन्होंने कमेंट किया था कि ये दोनों जो है माँ बेटी लगते हैं, ऑडियंस ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि दोनों का स्टेट अलग है तो माँ बेटी तो हो ही नहीं सकते। बिल्कुल, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग मजेदार चैलेंज में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल, बाय बाय।